को प्रधानमंत्री किसान योजना की अगली किश्त जारी कर दी गई है और इस योजना के तहत 10 करोड़ से अधिक लाभार्थी किसान परिवारों को 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके अकाउंट में ट्रांसफर की गई है। इस योजना से उत्तर प्रदेश के 2,30,00,000 से ज्यादा किसानों को सीधा फायदा मिलेगा और इस दौरान पीएम मोदी ने किसानों से संवाद भी किया है। उनके खातों में 2,000 रुपए की राशि जब ट्रांसफर हुई तो उस दौरान पीएम मोदी ने उन किसानों से संवाद भी किया है और आज 10 करोड़ किसानों को उनके खातों में 20,000 करोड़ की राशि ट्रांसफर की गई। देखिए, अगर आप भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 15वीं किस्त का लाभ पाना चाहते हैं तो करना होगा ये जरूरी काम। जी हाँ किसान भाइयों, अगर आपको बता दें कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो 15वीं किस्त है किसानों के खाते में जारी होने वाली है। ऐसे में आपको बता दें, अगर आप भी पीएम किसान योजना की जो किस्त है उसका लाभ लेना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ जरूरी कार्य हैं जिनको आपको करना जरूरी कर दिया गया है। देखिए, जिन किसान भाइयों ने अपना फॉर्म भरवाते समय अपना नाम अंग्रेजी में नहीं लिखा है उनका नाम सबसे पहले तो अपना नाम अंग्रेजी में लिखना होगा। साथ ही जिन किसान भाइयों ने अपना नाम आवेदन करते हिंदी में डाल दिया है वे तुरंत इसे अंग्रेजी में करवा लें। साथ ही अगर आपने अपना जो नाम और बैंक अकाउंट का नाम जो है अलग अलग है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि आपका जो आवेदक का नाम और बैंक अकाउंट वाले का नाम अगर अलग अलग है तो ऐसे में भी आपका पैसा अटक सकता है। साथ ही आपका अपना आईएफएससी कोड यानी कि बैंक का जो आपका आईएफएससी कोड है उसको भी आपको सही से भरना होगा, अन्यथा आपके खाते में पीएम किसान योजना की जो 15वीं किस्त है नहीं आएगी। आपको बता दें, जो आईएफएससी कोड है इसको लेकर बैंक ने भी कई बार नोटिफिकेशन जारी किया है, क्योंकि आईएफएससी कोड क्या है ना कि कभी कभी क्या किसी बैंकों का चेंज हो जाता है, तो ऐसे में आप अपना स्टेटस चेक करिए और आप देखिए कि आपकी खाने की क्या दिक्कत है और आपको किस वजह से पैसे नहीं मिल पा रहे हैं। तो आपको बता दें कि जो 15वीं किस्त का वितरण किसान भाइयों शुरू हो चुका है, यानी कि अक्टूबर और नवंबर महीने दोनों महीने किसानों के खाते में 2,000 रुपए जारी किए जाने वाले हैं। ऐसे में कुछ किसान ऐसे हैं जिनको अक्टूबर में पैसे मिलेंगे, साथ ही कुछ किसान ऐसे हैं जिनको नवंबर में किस्त का लाभ मिलेगा। अब देखिए किन किसान भाइयों को अक्टूबर में मिलेगा, किन किसान भाइयों को नवंबर में लाभ मिलेगा, तो इसको भी आपको बता दूं। देखिए, जिन किसान भाइयों ने अपना ईकेवाईसी समय रहते करवा लिया है और अपना भूलेख सत्यापन भी समय रहते करवा लिया है तो उनके खाते में जो किस्त का पैसा है अक्टूबर में जारी कर दिया जाएगा। लेकिन जिन किसान भाइयों ने अभी तक भी अपना ईकेवाईसी अपडेट नहीं करवाया, अगर वो आज अपना ईकेवाईसी अपडेट करवाते हैं और अपना साथी भूलेख सत्यापन का कार्य करवाते हैं तो उनके खाते में जो किस्त का पैसा है नवंबर महीने में जारी किया जाएगा। ऐसे में अगर आपको पीएम किसान योजना को लेकर किसी प्रकार से दिक्कत या फिर आपके मन में कोई संदेह है तो आप अपने आसपास के नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर अपनी समस्या का समाधान ले सकते हैं, या फिर अगर आप अपने घर से बाहर नहीं जाना चाहते हैं तो आप खुद से भी ये कार्य कर सकते हैं। इसके लिए आपको पीएम किसान योजना की वेबसाइट पर जाना होगा, जिसके बाद से आप अपने रजिस्ट्रेशन नंबर की मदद से सारे काम को कंप्लीट कर सकते हैं। साथ ही आप पीएम किसान योजना के द्वारा जारी किए गए हेल्पलाइन नंबर 1556 पर कॉल करके अपनी समस्या का समाधान भी ले सकते हैं। धन्यवाद।